नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं बात है सच। भारत की मोदी सरकार ने पाकिस्तानी संसद में दिए गए तुर्की राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन के भाषण को गंभीरता से लिया है। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन अंदरूनी खबरों की माने तो मोदी सरकार ने तय कर लिया है कि अब पाकिस्तान के साथ साथ तुर्की और मलेशिया जैसे देशों की नाक में नकेल डालने की कूटनीतिक पहल की जाएगी। हालांकि मलेशिया को तो कुछ हद तक घुटनों पर ला दिया गया है, अब तुर्की को सबक सिखाने की युक्तियां खोजी जा रही है। इस कड़ी में तुर्की के पड़ोसी आर्मेनिया जैसे देशों के साथ मोदी सरकार ने रिश्तों की जो आधारशिला रखी थी, अब वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी है। साल 1914 से 1923 के बीच तुर्की की फौज ने आर्मेनिया मूल के लगभग 15 लाख लोगों को निपटा दिया था। पाकिस्तान और तुर्की दोनों ही इसे मान्यता नहीं देते। अब भारत इस मसले को मान्यता देकर तुर्की की परेशानी बढ़ाने जा रहा है। यूएन महासभा के दौरान पीएम मोदी ने आर्मेनिया राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। इसके अलावा भारत ने तुर्की के सभी पड़ोसी देशों से मेलजोल बढ़ा दिया है। खास बात यह है कि भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को मानवाधिकारों का पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहा एर्दोगन तुर्की में कट्टर इस्लामिक तानाशाह के रूप में जाना जाता है। तुर्की में एर्दोगन की तुलना सद्दाम हुसैन, बशर अल असद और मुअम्मर गद्दाफी जैसे तानाशाहों से की जाती है। वह तुर्की में ओटोमन साम्राज्य को स्थापित कर खुद के बड़े इस्लामिक लीडर के तौर पर स्थापित करना चाहता है। साल 2017 में रेसेप तैयब एर्दोगन भारत की यात्रा पर थे। दोनों देशों ने पुराने मसलों को भूलकर आपसी संबंधों की नई भारत लिखने की तैयारी की थी। तब लगा था कि तुर्की अपने पाक प्रेम को छोड़ भारत के साथ अपने संबंधों को आगे तक लेकर जाएगा, मगर चूंकि तयबंद पद्धति में यह सर्व सत्य है कि जब खाज एक तयबंद में लगती है तो दूसरे का हाथ अपने तयबंद पर जरूर पहुंचता है। यह नियम 57 मुस्लिम कंट्री पर लागू होता है। यही वजह है कि मोदी ने समझदारी दिखाई और उन्होंने आज तक तुर्की की यात्रा नहीं की। साल 1947 से ही तुर्की का झुकाव पाकिस्तान की तरफ रहा है। तुर्की के युवा तर्क कहे जाने वाले मुस्तफा कमाल अतातुर्क की धर्मनिरपेक्ष सोच के बावजूद पाकिस्तान और तुर्की के संबंध धार्मिक आधार पर ही मजबूत हुए। तुर्की ने सदैव भारत के साथ धोखा किया है। वर्ष 1962 में चीन संघर्ष के समय भारत ने पर्वतीय इलाकों में लड़ने के लिए पर्वतीय हल्की तोप की खरीद के लिए एक समझौता किया था, जिसे तुर्की भारत को देने के लिए राजी था। बाद में पाकिस्तान के दबाव के कारण तुर्की ने तोप भेजने से इनकार कर दिया। कल जब पाकिस्तान की संसद से एर्दोगन कश्मीर चिल्ला रहे थे, यह उनकी उस खीज का परिणाम है जिसका भारत ने उसके पड़ोस में ताना बाना बुना है। तुर्की को एहसास है कि भारत उसकी घेराबंदी करने के लिए उसके पड़ोसी मुल्कों से दोस्ती गाढ़ी कर रहा है, उन्हें हथियार से लेकर कूटनीतिक समर्थन और आर्थिक मदद तक उपलब्ध करा रहा है, जो यकीनन तुर्की की बेचैनी बढ़ाने वाला है। तुर्की और भारत के बीच केवल 8.6 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार है। ऐसे में भारत तुर्की के संबंधों में नफे नुकसान का कोई अहम मसला नहीं है। भारत का प्रयास अब उसे उसी के घर में घेर कर घुटनों पर लाना है। मजे की बात यह है कि चीन और तुर्की का संबंध भी अच्छे नहीं है। एर्दोगन खुद को मुस्लिमों का लीडर मानते हुए उइगर मुद्दे पर चीन पर तंज कसते रहे हैं। तुर्की का यह रुख पाकिस्तान के बिल्कुल उलट है। इसलिए जब तुर्की ने सीरिया में कुर्दों पर एक्शन लिया तो भारत के साथ चीन ने भी उसकी खिलाफत की थी। कहने वाले तो यही कहते हैं कि मोदी सरकार तुर्की पर कोई प्रत्यक्ष एक्शन नहीं लेकर पिछले दरवाजे से उसकी कमजोर नब्ज को दबाया जाएगा, क्योंकि भारत और तुर्की में द्विपक्षीय व्यापार का होना या ना होना कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। एर्दोगन की कमजोर कड़ी तुर्की के गुलेनवादी समूह है, जिन पर आरोप है कि जुलाई 2016 में इसी संगठन ने एर्दोगन का तख्ता पलट करने की कोशिश की थी। इसके अलावा सीरिया और तुर्की में कुर्दों द्वारा कुर्दिस्तान की मांग लंबे समय से उठती रही है, इसको लेकर भी एर्दोगन टेंशन में है। आर्मेनिया से तुर्की के संबंध भी बेहद खराब है। अब भारत का ध्यान इन्हीं मसलों में हस्तक्षेप करके तुर्की की दादागिरी पर अंकुश लगाना है, क्योंकि जब घोड़ा बिना लगाम का होकर बेकाबू हो जाए तो चोट उसके घुटनों पर ही करनी चाहिए। भारत ऐसे बेलगाम घोड़ों को काबू करना अच्छी तरह से जानता है और एर्दोगन तो घोड़ी और गधे से पैदा हुआ खच्चर है, जिसे काबू करना भारत के लिए बड़ी बात नहीं है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।